हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 69,000 टीचर जो ये पेपर हुआ था तो इसका हम लोग पेपर कराएंगे आज। तो इसमें कई सारे सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस यानी कि एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ये सब सेक्शन है, रीजनिंग। तो ये पूरा फुल यानी कि 150 जो क्वेश्चंस हैं इनका हम पेपर कराएंगे, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसमें अगर हम हिंदी से स्टार्ट हो रहा है ये पेपर, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो देखिए पहले समझिए कृदंत प्रत्यय क्या होता है। ये प्रत्यय जो होते हैं वो दो उसमें बटे होते हैं, एक होता है कृत और दूसरा होता है तद्वित। कृत जो प्रत्यय होता है उनसे जो शब्द बने होते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत प्रत्यय के शब्द, ठीक है, वही यहाँ पर पूछा है। अच्छा, जो और जो कृत प्रत्यय होता है, कृत जो धातु होता है, धातु से जितने शब्द बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जो कृत प्रत्यय बनते हैं वो धातु से मूल रूप से बनते हैं, धातु के मूल रूप से बनते हैं, और उसके अलावा जितने भी उससे बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए कृदंत कौन से शब्द होते हैं, जैसे जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी कि जैसे खेलना, पढ़ना, तो इसका जो धातु का मूल रूप है वो है पढ़। जैसे पढ़ना में अगर हम लें तो पढ़ प्लस अना, तो ये कौन सा हो गया हमारा, कृदंत प्रत्यय। तो इस तरह से होता जो कि धातु से जुड़े होते हैं, यानी कि ये क्या है, क्रिया, क्रिया के साथ ये जुड़ते हैं। और जो सर्वनाम, संज्ञा इन सब से बनते हैं विशेषण, उन्हें क्या कहते हैं, तद्वित प्रत्यय। मोटा मोटा ये याद रखिए। तो यहाँ पर की क्रिया, क्रिया से जुड़ते हैं। और अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें है वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। तो देखिए वैज्ञानिक कहते हैं जो जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। व्याकरण क्या है, जो व्याकरण जानता है, यानी कि राइट आंसर यही है। बहुज्ञ क्या है, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ। शास्त्रज्ञ किसे कहते हैं, जो शास्त्र जानता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो देखिए इसकी बहुत फेमस इनकी पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, इनकी थी सरस्वती पत्रिका, इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए चितंबरा जो थी ये थी सुमित्रा नंदन पंत की, तो इन्हें इस पर क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद एक है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। देखिए पहले तो प्रत्यय समझे, प्रत्यय क्या होता है, जैसे एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। जैसे जो कोई शब्द होता है उसके पहले अगर हम लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं अनभिज्ञ, ठीक है, तो इसमें अन क्या है, अन उपसर्ग है, मतलब जो शब्द में जो पहले लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग, और जो बाद में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, समास बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर हम बाद में कुछ लगाते हैं त्व की आ रही है या वा आ रहा है, आ की आवाज़ आ रही है, तो ये जो होते हैं ये प्रत्यय होते हैं। जैसे वैज्ञानिक में इक जो है ये क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब हम यहाँ पर महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, महत्व बनेगा। महान एक शब्द है जिसमें हम त्व प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो कौन सा शब्द बन रहा है, महत्व बन रहा है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। देखिए ये जो काल है हिंदी में तो ये शुरू होते हैं 650 ईस्वी से, 650 से 1350 कौन सा चलता है, आदिकाल। फिर 1350 से 1650 चलता है कौन सा, भक्तिकाल। फिर 1650 से 1850 हम रीतिकाल आता है। तो उसके बाद 1850 से अब तक कौन सा काल है, आधुनिक काल है। तो ये चार होते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो इन्होंने दी है बीजवपन काल दी है, और चारण काल भी इसको कहा जाता है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, इसे आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है।
उसके बाद निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है। देखिए दो होते हैं, एक शब्द भेद में अगर आप पढ़ेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। ठीक है, तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, और संस्कृत को बदल कर यानी कि थोड़ा सा उसे विकृत करके अगर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे थोड़ा सा चेंज करके उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे हम लोग घरेलू लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो क्या है, तद्भव शब्द हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आँख, आँख ये तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तो इसका तत्सम क्या है, जो संस्कृत का होगा यानी कि नयन, नयन हमारा तत्सम शब्द है। अगर हम तद्भव में कहें तो वो आँख है। जैसे पाँव है ना, ये हमारा तद्भव है। उसके बाद गाँव, गाँव क्या है, ये तद्भव है और संस्कृत का नहीं है। अब ये याद कैसे रहेगा कि ये संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं, तत्सम या तद्भव। तो देखिए सा से संस्कृत है और तत्सम में सा आया है, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद गांव है तो ये क्या है, ये भी तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या है, ग्राम, ग्राम कहते हैं। फिर गृह, गृह क्या है, ये तत्सम शब्द है, यही इसका राइट आंसर है। गृह क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और अगर हम तद्भव इसका कहें तो वो क्या होता है, घर होता है। उसके बाद ये एक पैसेज दिया है, तो इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसने, किसे बना लिया है। तो देखिए इस पैसेज को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमारे जीवन पाखंड में बन गया है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे की छलनाई कला खुलकर उपयोग करते हैं, इसके बावजूद विश्वास करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम इस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी की बात को ये जानते हुए सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए इसलिए सरलता से कर लेते हैं। आज पाखंड दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न, ये देखिए क्वेश्चन मिल गया, अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था ऊपर छलने की कला का प्रयोग, ये देखिए थर्ड वाली लाइन में एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, खुलकर प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार पूछा है इन्होंने, तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, यद्यपि सुजाती सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, इसमें कौन सा है, ये किसकी हैं पंक्तियाँ, ये सेनापति कवि की हैं। ठीक है, ये तो आपको याद करनी होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची वीड़ा पाड़ी है, भारती है, वाग्देवी है, जाह्नवी नहीं है। उसके बाद है मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। देखिए सर्वनाम जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए आते हैं मैं, हम, तू, तुम, यही सही इसका आंसर है। इसमें आते हैं मैं, हम, तू, तुम, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई, यू, ये है ना, ये वाला आता है। उसके बाद संबंधवाचक में आता है जो, सो, जैसे कहते हैं जो करेगा सो भरेगा, है ना, जो आया है सो जाएगा भी, यानी कि इस दुनिया से जाने की बात हो रही है। तो इस टाइप से जो होता है ये क्या बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक मतलब जहाँ पर हमें डेफिनेट ना हो कि यही चीज़ है, यानी कि इनडेफिनेट हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम कहेंगे कोई वहाँ खड़ा है, तो हमें नहीं पता कि कौन है वहाँ पर, है ना, हमें नहीं पता, हम निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है इस बात से हम, ये तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये दो तरह के होते हैं, एक कोई, दूसरा कुछ। जहाँ पर कोई और कुछ मिलेगा वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक। कोई जो होता है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और कुछ जो होता है वो किया जाता है किसी वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ बर्तन रखे हैं, तो अब हमें नहीं पता कितने एग्जैक्टली कितने बर्तन रखे, कुछ रखे हैं, तो वो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रश्नवाचक तो ये सबको पता है, देखिए क्या हो गया, कौन, कौन आया है, तो ये इस टाइप से प्रश्नवाचक हो गया, और पुरुषवाचक में आ जाएगा मैं, हम, तू, तुम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो देखिए महाप्राण व्यंजन जो है ये उच्चारण के अगर हम उससे देखें बेसिस पे,
हमें ये मिलता है महाप्राण और अल्पप्राण। अल्पप्राण जो होता है वो होता है व्यंजन में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, यानी कि ऑड वाले जितने होते हैं उस नंबर का, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वो होते हैं अल्पप्राण। और महाप्राण क्या होते हैं? इवन वाले होते हैं, इवन वाले होते हैं, यानी कि 2 4। अब ये याद कैसे रहेगा? देखिए, महा में प्राण तो दोनों में कॉमन है, महा में क्या है, दो वर्ड है ना, माँ और हा, दो वर्ड हैं, यानी कि ये कौन सा इवन हो गया, तो इसमें 2 और 4th वाले रहते हैं। और अल्प में क्या है, आ ला और पा, आधा ला है लेकिन तीन है ना, आ ला और पा तीन है, यानी कि वो क्या हो गया, ऑड हो गया, तो उसमें ऑड वाले लेटर्स आएंगे, यानी कि व्यंजन आएंगे 1 3 और 5th वाले। तो अब देखिए, इसमें हम महाप्राण हमें बताना है, तो हम देखेंगे 2 4 6, ये वाला 2 4 वाले आने चाहिए। तो देखिए, का ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है। खा देखें, खा का खा, यानी कि दूसरे नंबर पे चा छा छा, दूसरे नंबर पे टा ठा, दूसरे नंबर पे ता था, दूसरे नंबर पा फा, दूसरे नंबर पे। तो हमारा जो महाप्राण व्यंजन है वो यही वाले का छा ठा था फा, 2 या 4 वाले होने चाहिए, ठीक है, 2 और 4 वाले। अब देखिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? देखिए, जब पहला नंबर बताए और दूसरा उसकी संज्ञा बताए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो जाएगा त्रिभुज, है ना, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं वाला, ठीक है। तो त्रि क्या आ गया, नंबर बता रहा है, यानी कि इसकी 3 भुजाएं, और भुज भुज क्या है, एक संज्ञा है, तो इस तरह से होता है त्रिभुज, है ना। उसके बाद कर्मधारय जो होता है उसमें उसका मतलब उसका पहचाने का तरीका है कि आता है जो बीच में आएगा, जैसे दोनों जो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड होगा उनके बीच में है जो का रिलेशन आएगा। इसका हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल होता है चरण कमल, तो हम कहते हैं कमल के समान चरण, ठीक है, के समान है जो। जैसे एक बहुत पॉपुलर है लाल मणि, तो उसको क्या कहते हैं, लाल है जो मणि। तो है जो आए या फिर के समान आए, तो यहाँ पर कौन सा कर्मधारय समान होता है, इसी से मिलता जुलता बहुव्रीहि होता है। लेकिन देखिए, फर्क क्या होता है कि उसमें कोई संज्ञा होती है, संज्ञा, और दूसरा उसका विशेषण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष होता है। अभी हम बताते हैं, जैसे देखिए, हमारी कमल के समान चरण हो गया, ठीक है, चरण कमल, कमल के समान चरण, तो इसमें क्या है, एक विशेषण है, दूसरा विशेष है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, जैसे एक संज्ञा होती है उसकी विशेषता की जाती है, तो संज्ञा की विशेषता को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए, कॉमन है नीलकंठ, जैसे अगर हम नीलकंठ को दोनों उसमें लेते हैं, जैसे कर्मधारय भी कह सकते हैं और बहुव्रीहि, डिपेंड करता है कि वहाँ पे मीनिंग क्या है। जैसे नीलकंठ है तो हम लिखते हैं नीला है जो कंठ, अगर हम ये लिख रहे हैं नीला है जो कंठ, तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगर हम कहेंगे नीलकंठ का मतलब है नीला है कंठ जिसका, यानी कि कोई पर्सन हो है, उसकी उसकी उस मतलब उस संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही, नीला है कंठ जिसका, तो वो ऐसा कौन है, शिव है, शिव है, तो इस तरह से उनकी क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो ये हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, भगवान के नाम होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। तो एक तो ये एक पहचान है, दूसरी ये फ़र्क है। अगर हम कहते हैं नीला है जो कंठ, है जो या के समान अगर आता है, तो वो जो होता है कर्मधारय समान होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो कर्मधारय समझ में आ गया, बहुव्रीहि समझ में आ गया। अब तत्पुरुष देखिए, तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारक, जैसे दो वर्ड हैं तो उनके बीच में अगर कारक पता चला, कारक क्या होते हैं, का की के से के द्वारा, इस टाइप से होता है ना रिलेशन, का की के पढ़ा होगा आपने, हर तरह के होके अधिकरण संबंध बहुत सारे होते हैं कारक, तो वो उनका जब पता लगता है हमें, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, धर्म ग्रंथ एक वर्ड होता है, धर्म ग्रंथ तो हम कहते हैं धर्म का ग्रंथ, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल से, अगर गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को, यहाँ पे को आया ना, कारक है, तो ये वाली चीज़ जो होती है जिसमें कारक बीच में विलुप्त होता है, हमें मतलब एग्जैक्टली पता नहीं होता है, लेकिन वो गायब होता है उस वर्ड में, गगन चुंबी में, गगन को चूमने वाला, ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इस टाइप से जो होते हैं कारक को जो छुपाते हैं अपने में, हाइड करते हैं, उसे कौन से समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं।
तो ये हमारे हो गए। उसके बाद द्वंद आता है, एक पांचवा होता है द्वंद। उसमें क्या होता है, बीच में डैश होती है, जैसे राजा रानी, ठीक है, राजा और रानी, तो लिखा होगा राजा डैश रानी। इसका अगर हम वैसे मीनिंग देखें तो राजा और रानी, ठीक है, तो इस तरह से होता है, रात डैश दिन, यानी कि रात और दिन। तो ये कौन सा समास होता है, ये द्वंद्व समास होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, तुम मासहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तो देखिए ये इसमें कौन सा अलंकार है पूछा। देखिए मानवीकरण इसमें अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कोई निर्जीव चीज़ हो, जिससे मतलब ह्यूमन बीइंग का कोई मतलब ना हो, लेकिन हम उसके उसके बारे में हम ऐसा कुछ बता रहे हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड हो। अब है नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का क्या मतलब होता है, जो द्वंद्व समास में यूज होता है, यानी कि अभी हमने बताया था दिन डैश रात, तो वो जो डैश होती है ये कौन सा होता है, ये कौन सा चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो बुद्धिमान क्या होता है, विशेषण होता है। देखिए हम इसको हमेशा वर्ड कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक सेंटेंस बना के देंगे, जैसे हम कहेंगे रोहन बुद्धिमान है, तो हम रोहन के लिए बुद्धिमान वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो रोहन क्या है, एक संज्ञा है, एक नाम है, क्योंकि वो तो संज्ञा के जब हम विशेषता बताते तो वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो ऐसे हम यहाँ बता सकते हैं बुद्धिमान क्या है, विशेषण है। फिर आता है कवि का स्त्रीलिंग है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने वर्तनी चेक की है, यानी कि स्पेलिंग चेक की है। तो हम जनरली हम लोग बोलने में क्या बोलते हैं, कवियत्री कवियत्री, कवि का क्या होगा, कवियत्री होगा, लेकिन कवियत्री स्पेलिंग सही नहीं होती, कव और यत्री, ये याद रखिएगा। थर्ड हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे। देखिए ये संस्कृत है, संस्कृत हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा इसलिए हम इसमें नहीं बताएंगे, बस हम यही बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर सेकेंड है, साधवो, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद है सूर्योदया पद में प्रयुक्त समास है। तो देखिए सूर्योदया क्या है, इसमें सूर्य का उदय है ना, सूर्योदया समझ में आ रहा है ना, सूर्य का उदय, तो ये क्या बीच में क्या आया, का आया, यानी कि ये क्या है, इसमें कारक बीच में विलुप्त है, तो हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास है। उसके बाद है नीलोत पलम में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास है, ठीक है। उसके बाद है दास्यति क्रियापद में लकार है, तो ये लरट लकार है। उसके बाद ये फिर संस्कृत का है, उदेति सविता ताम्रा व अस्तमेति च संपत्तो विपत्तो च महता मेघ रूपता। इसमें सविता की दशा उदेति पूछा है, तो ताम्रा इसका आंसर है। उसके बाद देखिए पितृस वसा का अर्थ है, ताई को कहते हैं। फिर एक गम धातु लिरट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, लिरट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, गमिश यथ, ठीक है। उसके बाद है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। उसके बाद है गा पद की विभक्ति वचन है पंचमी एक वचन है, गाह की पंचमी एक वचन है। उसके बाद है हसंती पद में प्रत्यय है, तो शत्रु प्रत्यय है, हसंती में कौन सा प्रत्यय है, शत्रु। तो यहाँ पर हमारा हिंदी फिनिश होता है, इसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपने इंग्लिश सेक्शन में, तो देखिए इसमें सबसे पहले पैसेज दिया है और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दिए हैं, तो हमारा ये पैसेज है, इसके पहले हम क्वेश्चन से हम पैसेज पे जाते हैं। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो डिप्लीट का मोस्ट ऑपोजिट जो सबसे बेहतर जो ऑपोजिट होगा वो बताना है, एंडोनिम बताना है हमें, जो इस पैसेज में यूज हुआ है, रीजनरेट एम्प्टी क्वेंच और इन्फ्लेट। तो देखिए इसमें डिप्लीट का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म होना, मतलब डिप्लीशन पता होगा डिप्लीशन क्या होता है, हटना ख़त्म होना डिस्ट्रॉय होना एक तरीके से। तो हमें लग रहा है इसका बेस्ट जो इसका राइट आंसर भी खैर वन ही है, जो बेस्ट इसका है वो है रीजनरेट, क्योंकि देखिए रीजनरेट में क्या होता है, रीजनरेशन मतलब फिर से कोई चीज़ बनना दोबारा बनना, और डिप्लीशन क्या होता है, ख़त्म होना डिस्ट्रॉय होना ख़त्म होना डिप्लीशन। तो अब ये हमारा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हैज़ बियरली यील्डेड एनी रिजल्ट इज नॉट अ फ्यूटाइल कंसिडरेशन हैज़ प्रूव टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इनकी आइडियोलॉजी देखनी होगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसेज देखना होगा।
तो इसमें पॉवर्टी इज क्रूएल द ओनली रूल इकोनॉमिक प्रैक्टिस आइडियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. यहाँ से देखते हैं, द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट. वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट. अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई व्हेन दे आर सीज्ड, दे डाई व्हेन नेग्लेक्टेड. वी हैव बियरली टैप्ड आर इमेजरेबल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो हैज़ बियरली यील्डेड एनी रिजल्ट. मतलब बामुश्किल, बहुत मुश्किल से रिजल्ट हमें मिल पाता है. इकोनॉमिक्स, अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इससे हमें यही वाला राइट आंसर है इसका. अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. वन शुड लव डैश कंट्री. देखिए, वन के साथ कौन सा, यहाँ पर क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा. प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े होंगे आपने, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर यूज़ होगा वंस. वन के लिए कौन सा होता है, वंस यूज़ होता है, तो ये आएगा वंस कंट्री. ठीक है, उसके बाद है द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज़ इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय. तो देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, 539 वाला लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि साउंड पूछा है ना. देखिए, जो ऐसे तो होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ई आई ओ यू, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो बोलते हैं, जो साउंड करते हैं इंग्लिश में, तो देखा होगा डिक्शनरी में कई सारे अल्फ़ाबेट अगर हम देखते हैं, उसका प्रोनंसिएशन देखते हैं, तो कुछ वर्ड होते हैं, कुछ लेटर लिखे होते हैं, उनके ऊपर दो डॉटेड होती हैं या फिर बार टाइप का साइन लगा होता है, तो वो जो होते हैं वो भी साउंड के उसमें काउंट किए जाते हैं. तो अगर हम उन सबको ऐड करके देखें, तो टोटल वोवेल जो होते हैं वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 24 होते हैं. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा क्यों होता है. देखिए, जैसे बेड लिखा है, ठीक है, BED बेड. ठीक है, अब देखिए, ई यहाँ पे इसका प्रोनंसिएशन क्या होना चाहिए, बीड होना चाहिए, है ना, लेकिन ई है और साउंड कैसा, ए का आ रहा है, ए का. अब ये बताइए, कोई ऐसा साउंड देता है जो ए का आता है ना, तो उसको हम कैसे बताएंगे. लिखा है ED, है ना, और हम पढ़ रहे हैं एड, ए आवाज़ आ रही, एड. तो ये वाला जो होता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, डिक्शनरी में क्या करते हैं, ई लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे. इसका मतलब क्या है, उसे ए का साउंड देना है, बेड, बेड, एड, ऐसा साउंड देना है. तो ये चीज़ होती है. तो साउंड के बेसिस पे हम देखें, तो ये 20 और 24 हमारे वोवेल और कॉन्सोनेंट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट का है. इसमें आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन हमें बताना है. ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज़ ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे. ठीक है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखें तो अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, यू विल. अब विल का कोई इसमें मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज़ माई बाइक, ये भी गलत है. और फिर थर्ड पे आते हैं, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ माई बाइक, ये सही है. फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में भी विल से स्टार्ट है, तो ये गलत है. यानी कि थर्ड सही है. अब कैसे देखते हैं, देखिए, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है. उसने क्या कहा, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक, तुम मेरी बाइक यूज़ कर सकते हो वाइल आई एम अवे. ठीक है, और इसका अब हम देख रहे हैं कि हमें जो डायरेक्ट इन्होंने स्पीच दी वो सही है या नहीं. ही कुड मेक यूज़ ऑफ इस, जब कोई थर्ड पर्सन बताएगा तो उसे ऐसे ही बताएगा कि उसने उससे ये कहा, अतुल ने उससे ये कहा अपने दोस्त से कि वो उसकी बाइक यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. उसकी बाइक यहाँ पे हिज बाइक, और जब वो खुद बात कर रहा है तो वो क्या कहेगा, माई बाइक कहेगा. तो ये बिल्कुल सही है हमारा. और जब हम जैसे इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट पे जाते हैं, जैसे डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जब जाते हैं, तो टेंस क्या होता है, प्रेजेंट अगर हो अंदर, अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो पास में चेंज हो जाता है. तो वैसे ही देखिए, ही वॉज अवे है, तो अब यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पास दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि आई एम अभी बिल्कुल सही है. तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. फिर है आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसमें जो अंडरलाइन वर्ड दिया है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम. ठीक है, तो देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, तो इसमें इनफ क्या है, देखिए, इंटेलिजेंट यहाँ पे पहले इंटेलिजेंट को देखते हैं, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, वो नाउन की ही की क्वालिटी बता रहा है, वो इंटेलिजेंट है बहुत. ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट है, वो कौन, वो की क्वालिटी बता रहा है. तो जो भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है. अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव और ख़ुद एडवर्ब की क्वालिटी बताता है.
तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट की क्वालिटी बता रहा है, इंटेलिजेंट को एम्फोसाइज कर रहा है, जो वर्ड यानी कि इनफ क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट को बता रहा है बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे जो बता रहा है कौन होगा, खुद एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। उसके बाद आते हैं, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो देखिए इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, अ हर्मिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। इसको क्या करना है, वर्ब को पास्ट टेंस में करना है। अच्छा देखिए, हाइट, हाइट जो होता है तो हाइट का जो ये प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, जब इसको पास्ट में चेंज करते हैं तो वो HID यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ वेल शी सिंग्स। तो ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा आगे, कौन सा सेंटेंस सही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन, एज 1 रुपी नोट इज रेयर टू फाइंड, आई डोनेटेड एज यूनिट ऑफ ब्लड, एंड FIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। तो देखिए इसमें लास्ट वाला सही है, कैसे अभी बताते हैं। देखिए आप पहले बताते हैं कि ये 3 गलत क्यों हैं। तो देखिए, ही इज़ एन यूरोपियन सिटीज़न, देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आर्टिकल की प्रॉब्लम है, ए एन का इन्होंने एरर रखी है। तो देखिए यूरोपियन, AEIOU, ठीक है, देखने में ये वोवेल है, ई से है, लेकिन ये साउंड क्या कर रहा है, यू कर रहा है, या कर रहा है ना, हिंदी में हम साउंड हमेशा देखेंगे या कर रहा है, यू यू या क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ए हो यूज़ होगा, एन नहीं होगा, ही इज़ अ यूरोपियन सिटीज़न सही होता। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट में, एन 1 रुपी नोट इज़ रेयर टू फाइंड, तो देखिए एन 1 रुपी नोट, अब ओ क्या है, देखने में ओ क्या है हमारा, एक वोवेल है, लेकिन साउंड क्या कर रहा है, वा कर रहा है, वन वा कर रहा है ना, तो वा क्या होता है, वह कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड है, आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है, इसमें सेम वही प्रॉब्लम, यूनिट है यू, देखिए अम्ब्रेला कहते हैं एन अम्ब्रेला, क्यों, क्योंकि वहाँ पे यू होता है, वॉवेल है, और प्लस साउंड भी वो आ का करता है, अम्ब्रेला, ठीक है, इसलिए वहाँ पे एन यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यू तो है देखने में, वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या कर रहा है, यू का, या का कर रहा है, तो जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आ होना चाहिए, आई डोनेटेड अ यूनिट ऑफ ब्लड। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये सही कैसे है, NFIR वॉज लॉस्ट अगेंस्ट हिम, देखने में गलत लग रहा है लेकिन बिल्कुल सही कैसे, देखिए एफ क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, सबको पता है, लेकिन साउंड कैसे कर रहा है, एफ एफ कर रहा है, यानी कि अगर हम हिंदी में लिखें तो ए की आवाज़ आ रही है, ए जो कि क्या है, एक वोवेल है, वोवेल साउंड कर रहा है, मेन हमें वोवेल देखना होता है, वोवेल साउंड कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एन लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना होता है इसमें, अब यहाँ पर जैसे मान लिए FIR लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे FIR ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर मान लिए ये FIR ही होता, फायर होता, मतलब वैसे नहीं होता, आग वाला फायर होता, तो हम क्या, आ फायर, तब हम एन फायर नहीं कहते, क्योंकि हम फायर पढ़ फा पढ़ते, फा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है, FIR इसका एक पूरा फुल फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, अलग अलग लेटर, यहाँ पे F कैसे साउंड कर रहा है, FA साउंड कर रहा है, F हिंदी में लिखेंगे तो A लिखेंगे पहले, और फिर फा लिखेंगे F, तो इसलिए जो साउंड जो कर रहा है वो वॉवेल वाला साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे, एन सही है। तो यहाँ पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे, ये फिनिश हो जाते हैं, अब हम सोशल स्टडी स्टार्ट करते हैं।